हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब देख, देखो कैसे मैं ये बॉल पे क्लीन बोल करता हूँ। और तू देख, इस बॉल पे मैं कैसे छक्का उड़ाता हूँ। रॉनी, ऑल द बेस्ट। देखते। जल्दी। चिकू यार। चिकू क्या कर रहा है? चिकू अच्छी फील्डिंग कर, रॉनी आउट कर। चलेगा एक रन, एक ही रन, एक ही रन। जल्दी चिकू फील्डिंग ठीक से करना। आउट हो जाएगा, आउट हो जाए, आउट हो जाए। भैया हमारा बॉल दे दो। अगर वापस ना करूं तो? आप क्यों आ जाते हो हर सैटरडे संडे हमारा गेम खराब करने के लिए? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है ना? नहीं, नहीं, ऐसा कहाँ है? अरे हम लोग तुम्हारा खेल बिगाड़ने नहीं आते, बल्कि तुम्हें सिखाने आते हैं। अच्छा आप हमें सिखाएंगे? पता है ना पिछली बार कितनी बुरी तरीके से हराया था हम लोग की टीम ने। उस बार तो हम खेलने के मूड में नहीं थे। तैयारी के साथ आए तो हो जाए दो दो हाथ। लगता है डर गए। हमारी टीम किसी से नहीं डरती और हमारी टीम ना ही किसी से हारेगी। अच्छा पहले हमसे तो जीत के दिखाओ। चलो फिर ठीक है, तो चलो टॉस कर दें। टॉस बराबरी की टीम में होता है। आप तो चाहे पहले बैटिंग करो या बॉलिंग, जीतना तो हमारी टीम को ही है। आप बात है, कॉन्फिडेंस तो देखो इसका। तो एक काम करते हैं, पहले हम बैटिंग करेंगे। ठीक है ठीक है, चलो बैट दो। ध्यान रखना, बॉल स्कूल के कंपाउंड में नहीं जाना चाहिए। पिछली बार तुम्हारे वजह से हमें डांट पड़ी थी। ठीक है हम उसका ख्याल रखेंगे। क्या शॉट मारा यार। कैसा लगा मेरा शॉट? तेरे स्पेशल योगा पे। अरे ये क्या किया तुमने? हम लोग ने कहा था ना कि स्कूल में बॉल नहीं जाना चाहिए। अब वो बॉच में आके वापस तमाशा करेगा यार। चलो हम जाके ले आते। चलो ला लेते, ये बैट लो अपना। और आना मत लिए बिना। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए ये लोग? कहीं उन लोगों को किसी ने पकड़ तो नहीं लिया? हाँ यार हो सकता है, चल यार देख के आते। हाँ चल देख के आते। अरे यार यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। चल ना हमें तो बॉल से मतलब है ना, चल ढूंढते। हाँ चलो। अगर कोई भी तुम लोग को दिखा ना तो खास के एक दूसरे को इशारा कर देना। कर देंगे, कर देंगे। चिल्लाना मत। क्या हुआ, कौन आ गया? अरे सच में खांसी आ गई थी, क्या कर रहा है यार? प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज हमने आपका। ये लगता है कोई आ रहा है, जल्दी छुप जाओ, क्लास में छुपते हैं। चल जल्दी। प्लीज
प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए। अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो गोली मार दूंगा। हमें प्लीज छोड़ दीजिए, हमें आपका क्या बिगाड़ा है, हमें प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। हमें बोला ना कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। यार नितिन, रौनक और जतिन इन लोग के साथ इसने तो बॉल लेके वापस नहीं आए। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, उनके पास गन्स भी है। हाँ यार मुझे भी बहुत डर लग रहा है, चलो कैसे निकलते हैं। नहीं हम इतने भी डरपोक नहीं है कि अपने दोस्तों को मुश्किल में छोड़ के यहाँ से चले जाए। पर अभी करें क्या, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ यार कुछ तो करना पड़ेगा। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज हमने आपका क्या बिगाड़ा। चल 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 चल। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आ गए? ए, अगर हमसे किसी ने एक भी सवाल किया ना तो उसका वो हश्र करूंगा, वो हश्र करूंगा। कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यही रहा तो बाहर जाके देख। देखता हूं भाई। यार हम दोनों तो फंस गए यार, विकी नील और चिकू तो शायद लाइब्रेरी में घुस गए थे। मुझे तो उन लोगों के लिए भी डर लग रहा है, कहीं वो लोग पकड़े गए तो। नहीं यार डर मत, सीआईडी अंकल आके हमें बचा लेंगे। सीआईडी अंकल? हाँ मगर कैसे, हम बाहर जाके फोन भी तो नहीं कर सकते ना। अरे फोन नहीं कर सकते पर कुछ ऐसा तो कर सकते ना जिससे हमें मदद मिले। पर क्या क्या? वो देख खिड़की। खिड़की? चल जाकर किसी को मदद के लिए बुलाते। नहीं नहीं अगर हम लोग खिड़की से चिल्लाएंगे और अगर उन बुरे लोगों ने हमारी आवाज सुन ली तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। तो फिर क्या करे? चल वॉशरूम में ही कुछ ढूंढते, कुछ मिल जाए शायद। चल कुछ मिला क्या? नहीं यार। अब क्या करे? अरे बॉल है ना हमारे पास। पर हम बॉल से क्या करेंगे, उन बुरे लोगों के साथ कैच कैच खेलेंगे क्या? नहीं पापा, नीचे फेंक कर किसी को मदद के लिए बुलाते। चल ठीक है। चल चढ़ ये ले। किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा? बोल मारा तूने, बोल क्या तुझे? नहीं दूंगा समझा, तुम्हारे लिए यही सजा है। आजकल के बच्चे भी ना। समीर? हाँ समीर, कैसे हो दोस्त? इतने दिनों बाद कैसे याद किया इस दोस्त को? भैया मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो यार तुम। क्या हुआ समीर, परेशान क्यों हो? मेरा बेटा है ना विक्की। क्या हुआ विक्की को? उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, प्लीज दया कुछ करो। पता नहीं चल रहा? देखो समीर घबराओ नहीं, हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं भी आता हूँ तुम्हारे घर। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम लोग वापस घर जा पाएंगे भी कि नहीं। तू डर मत, हमें कुछ नहीं होगा। देख जब तक हम सब दोस्त साथ हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू डर मत। भगवान जी बस सनी और रोनी को बचा लेना। मेरे पास एक आइडिया है,
फिर एक पेन पेपर ढूंढते और उसकी मदद से एक चिट्ठी लेकर बाहर फेंकते। क्या आइडिया है यार, पेन और पेपर ढूंढो। हाँ जल्दी ढूंढो। ये पेपर, पेन, पेन, पेन। हेल्प कॉल सीआईडी। खिड़की। हाँ चल चल। ये तो जाम है, दूसरी वाली खिड़की चेक करते। अरे यार अब क्या करें, कुछ तो करना ही होगा। हमें काम करते, ये चिट्ठी सनी और रोनी के पास पहुंचाते हैं ताकि वो इस चिट्ठी को बाथरूम की खिड़की से नीचे फेंक सके। पर कैसे? ए, इधर आ। हाँ हाँ तुम तीनों आओ इधर, और तुम दोनों जरा बाहर पूरा स्कूल का चक्कर लगाओ, देखो कोई और तो नहीं है ना। ठीक है। तुम लोग अभी तक उठे नहीं? आज मम्मी ने खाना नहीं दिया क्या? दिया था। तो उठो ना। अच्छा ये बताओ, इसमें से कौन सा टीचर तुम्हें परेशान करता? कोई भी नहीं। झूठ मत बोलना, कोई तो होगा, आज तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर किए देते हैं। नहीं, तुम्हारी कोई नहीं करती। अच्छा तो तुम लोग बताओ, इसमें से कौन सा बच्चा परेशान करता है? नहीं नहीं, ये तीनों बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, ये शरारत नहीं करते। बड़ा ही अच्छा स्कूल है, टीचर भी खुश और बच्चे भी। ए, चल बैठ जा वहां पर। प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? ले। क्या हुआ? अभी तो पानी मांग रहा था, ले पी। तुम लोग यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हो, अपनी भूख और प्यास को अपना दोस्त बना लो। शुरुआत हो गई है, अब तुम लोग अपना खेल शुरू कर दो। सनी, क्या हुआ? यार एक गुंडा है, वो सारे कमरों की तलाशी ले रहा है, वो यहाँ पर भी आ सकता है यार। अब क्या करें? हेलो। अरे कितनी बार बोला मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो, मुझे कोई प्रिपेयर सिम नहीं चाहिए। ये लो पानी। स्नेहा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा विकी को, हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ मगर विकी जा कहां सकता, आज शनिवार है और उसके स्कूल में आधे दिन में छुट्टी हो जाती है, मगर अभी देखो अभी तक लौटा नहीं वो। विकी के स्कूल में जाकर पता किया? हमें गया था स्कूल लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। वो टीचर से बात की? टीचर ने कहा छुट्टी होते ही सारे बच्चे स्कूल से निकल गए। कौन से स्कूल में पढ़ता है विकी? एपीएम स्कूल। एपीएम स्कूल?
किताब कितनी अच्छी है, पर क्या फायदा, काश थोड़ा पढ़ लिया होता। हम उस गुंडे से बच गए। ये चिट्ठी हमें रोनी और सनी तक कैसे भी करके पहुंचानी होगी। तुम दोनों यहाँ पर मचा क्या था? संभाल के जाना। उसे कुछ होगा तो नहीं? रोनी, रोनी, सनी, रोनी, विक्की तू है? मुझे लगा वो गुंडे वापस आ गए। घबरा मत, मैं कुछ नहीं होगा। नीना और चीकू कैसे हैं? ठीक है। चीकू थोड़ा डरा हुआ सा था, पर हमने संभाल लिया। और ये देखो, हम लोग ने चिट्ठी लिखा है मदद के लिए। अरे वाह, लेकिन इसे फेंकने के लिए किसी भारी चीज की जरूरत है। मेरे पास कंचे हैं, उसमें लपेट के फेंकते हैं। चल चलते। हाँ, चलते। ये पकड़, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। ए बच्चा, क्या कर रहा है? क्या ये बच्चा इशारा करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है? सीआईडी? लगता है ये बच्चा किसी मुसीबत में है। एक मिनट, ये क्या चक्कर है? पानी पे पानी पिया जा रहा है? सर वो थोड़ी सेहत बना रहा हूँ। सेहत? ये अचानक सेहत बनाने का बुखार कैसे चढ़ गया? फ्रेडी से कंपटीशन है क्या तुम्हारा? सर रहने दीजिए सर, मैं कहूंगा तो आपकी आंखों में से गंगा जमुना बहने लगेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बहुत ट्रेजडी फिल्में देखी है, तुम्हारी ट्रेजडी मैं सुन सकता हूँ। बता बताओ क्या बात है, कहीं कोई है? अरे नहीं सर। तो फिर? सर वो थोड़ा वजन। सर हाँ वजन, वजन तो थोड़ा। अरे लेकिन पानी पीने से वजन कम होता है क्या? हाँ सर। क्या बात कर रहे? हेलो सीआईडी ब्यूरो, क्या एपीएम स्कूल? नहीं तो आप कौन बोल? हेलो हेलो, क्या हुआ बेटा? सर कोई गुमनाम फोन था, कह रहा था कि एपीएम स्कूल के बच्चों की जान खतरे में है। स्कूल के बच्चों की जान खतरे में है? नहीं, बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम होने नहीं देंगे। हाँ सर। क्या एपीएम स्कूल में? ओह नो। क्या? हाँ क्या हुआ है एपीएम स्कूल में? ठीक है सर। ओके सर। या दया, एपीएम स्कूल में क्या हुआ? यस सर। कुछ बोलो प्लीज, मेरा विक्की मिला कि नहीं मिला? समीर वो क्या, वो बोलिए तो क्या हुआ? विक्की ठीक तो है ना? पता नहीं, किसी ने थोड़ी देर पहले सीआईडी ब्यूरो में फोन किया कि एपीएम स्कूल के कुछ बच्चे मुसीबत में है। कैसी मुसीबत है? अरे यार वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। लिसन, हम दोनों तुम्हारे साथ चल रहे हैं। दया नहीं, कोई नहीं जाएगा वहां, पहले मैं जाके देखता हूं, पता नहीं उन बच्चों को किस तरह का खतरा है वहां।
सीआईडी? हाँ मैं फिर सीआईडी से। अच्छा हुआ सर आप आ गए, मैंने आपको फोन किया था। हाँ बोलिए। ये देखिए। हाँ कहाँ मिली चिट्ठी? आइए बताता हूँ। ये देखिए उस खिड़की से एक बच्चे ने फेंकी। अच्छा ठीक है, थैंक यू, आप जाइए। और हाँ इसके बारे में आप किसी को बताना मत। जी सर। थैंक यू सर। आप कहीं तो अंदर चल के देखिए। नहीं कहा मैंने, अंदर एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है पता नहीं है, और बिना प्लानिंग के अंदर घुसे तो हो सकता है मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो सर क्या हम बच्चे के खिड़की पर आने का इंतजार करें? नहीं श्रेया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। काम करते हैं, वही तरकीब इस्तेमाल करते हैं जो इन बच्चों ने किया। किसी से कुछ कैसे नहीं कहूं, यह तो सुनहरा है मौका मेरे पास फंसी रहने का। हेलो एस डी एम न्यूज चैनल। लगता है हमारी मदद के लिए कोई आया है। जिन लोगों ने इन बच्चों को बंदी बना के रखा है उनके पास हथियार है। अब सर पांच लोग हैं। ध्यान रहे किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि सीआईडी यहां पहुंच गई है। लेकिन सर अब प्लान क्या है? फिलहाल तो बाहर से नजर रखना है स्कूल पे। चलो श्रेया तो वॉच में देख रही हो? हाँ सर, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ है। सो रहा है? मुझे लगता है ये मर चुका है सर। मैंने कुछ ना सर सर स्कूल के अंदर घुसना इतना आसान नहीं लगता। सर इस तरह स्कूल के अंदर टीचर्स और मासूम बच्चों को बंदी बनाकर ये लोग क्या चाहते हैं? जरूर कोई खास मांग होगी इनकी जिसे ये लोग पूरा कराना चाहते हैं। मुझे नहीं कौन से गिरोह के हैं ये। आधे स्कूल के बाहर टेंशन है। हेलो मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? ये जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन। ये बच्चे और टीचर मेरे कब्जे में हैं। अच्छा तो तूने बच्चों को और टीचर को बंदी बना के रखा है। तो एक बात पहले सुन ले, अगर किसी भी बच्चे को जरा सी भी खरोंच आई ना तो तेरी जिंदगी में एक बुरा सपना बना के रख दूंगा, समझे? एसीपी तू शर्त रखने की हालत में नहीं है, सिर्फ सुन। अगर तू चाहता है कि किसी को कुछ ना हो तो ठीक एक घंटे के बाद स्कूल में आ जाना निहत्ते और बिना फोन के। अब एक कायर मासूम बच्चों का सहारा लेकर हमें बुला रहा है, लेकिन याद रखना उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। बता क्या चाहता है तू? मान गया एसीपी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अगर कोई होशियारी दिखाई ना तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है आ रहे हम लोग, लेकिन मेरी बात अच्छी तरह से याद रखना, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ सर। ओके सर ठीक है, ठीक है सर। सर क्या कहा एसीपी सर ने? यही कि हमारा शक सही निकला, स्कूल के अंदर बच्चों के साथ टीचर्स को भी बंदी बना के रखा गया है। सर कुछ पता चला ये लोग क्या चाहते हैं? सीआईडी
उन्हें बच्चों के बदले में हमारी जान चाहिए। तो सर एक काम में देरी कैसे, आप कहें तो अंदर चलते हैं, उनको बताते हैं कि उनका ये डिसीजन उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। जोश में नहीं काबिन, बहुत से काम लेना पड़ेगा। एक मिनट, ये देखो स्कूल का नक्शा भेजा है फ्रेडी ने। स्कूल के अंदर जाने का ये दो रास्ता है, ये मेन गेट से और ये पीछे के रास्ते से। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इस वक्त हम शहर के जाने माने स्कूल एपीएम के बाहर खड़े हैं। हमारे खास सूत्रों ने हमें बताया है कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और उन्होंने इस स्कूल के बच्चों को बंदी बना लिया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? किसने बोला आप लोगों को यहाँ? प्लीज ये बंद कीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग, जाइए यहाँ से। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारे सीनियर इंस्पेक्टर दया भी हमेशा की तरह क्राइम सीन पर पहुंच चुके हैं, पर अब देखना ये है कि हमारी सीआईडी की वीरता फिर से एक बार ऐसा कोई कारनामा दिखा पाएगी जो इतिहास में आज से पहले भी हो चुका है। क्या इन नन्हे से बच्चों की जान बचा पाएगी सीआईडी? आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। अगर आपकी ये लाइव रिकॉर्डिंग उस आतंकवादी ने देख ली तो हमारे प्लान के बारे में उन्हें पता चल जाएगा। ये बंद कीजिए प्लीज, हटिए, चलिए। दया, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। घबरा मत, किसी को कुछ नहीं होगा, किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होगा, हमारा विश्वास कीजिए। सर मेरा बेटा इतने भी अंदर फंसा हुआ, प्लीज कुछ कीजिए। हम सारे बच्चों को सही सलामत बाहर ले आएंगे, आप प्लीज शांति बनाए रखिए। सर पिछले साल मेरे पति की मौत हो गई, अब अगर मेरा बेटा जिधर भी चला गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी सर? हाँ सर, ओके सर, ठीक है सर, हम तैयार हैं। राइट सर, आ जाओ। इसी साहब यहाँ पहुंचने वाले हैं, स्कूल के नक्शे को एक बार अच्छी तरह से अपने दिमाग में छाप लो, क्योंकि आतंकवादियों ने हिदायत दी है कि अंदर ना हम गन्स और ना ही मोबाइल फोन लेके जा सकते हैं। क्या हुआ इरा? लगता है भाई लाइब्रेरी में कुछ गड़बड़ है। अबे सारे कमरे में खुद देख कर आया, कोई नहीं है वहाँ पे? नहीं भाई, वहाँ जरूर कोई है। तुझे ऐसा लगता है? जा जाके देख कर। तो लाइब्रेरी में तुम लोग छुपे हो, चलो जल्दी से कोई गाना सुना दो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो ना। देखा भाई, गोगला ने इतने अच्छे से ढूंढा था इनको कमरों में, मगर इतने दो बड़े बच्चे इसे नहीं दिखे। तेरी आंखें हैं या गोटियां हैं? कहाँ छिपे थे तुम दोनों, मुझे क्यों नहीं दिखे? ए गोगला, बच्चों पे दोष मत जमा, इनकी नहीं तेरी गलती है सारी। माफ कर दो बॉस, गलती हो गई। अरे अंग्रेजी में माफी मांगना। ए टीचर लो सिखाओ। सॉरी, सॉरी बोलो। सॉरी बॉस, सॉरी। अच्छा चल, अंग्रेजी की टांगे मत तोड़। ए बिठा बच्चों को। सीआईडी ऑफिसर्स यहां पहुंच चुके हैं और वो आतंकवादियों का कहा मानते हुए बगैर अपने मोबाइल फोन और गन के बिना वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। अभिजीत, किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। सर अपनी जान दे देंगे लेकिन किसी निर्दोष की जान नहीं जाएगी सर। ग्रेट। सर यहां तो कोई दिख नहीं रहा। देखो जैसा तुमने कहा था, हम लोग स्कूल के अंदर आ गए, जवाब दो। सर लगता है ये लोग हमारे साथ लुक्का छिपी का कोई खेल खेल रहे हैं। सर पहले एक काम करते हैं, उन बच्चों को बचाते हैं जो बाथरूम में हैं। सर बाथरूम उस तरफ है। चलो देखो, चलो। ये
बच्चे कहाँ गए? दया अंकल, इसी खिड़की से तो बात की थी उन लोगों ने मुझसे। बच्चों चल। दया अंकल, दया अंकल, अभिजीत अंकल, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। हम सब बहुत डर गए थे अंकल। करने की बात नहीं, हम लोग आ गए ना। ये तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी? ये लाइब्रेरी किधर है? यहाँ तो कोई भी नहीं। नीलो चीकू तो यही थे, कहाँ चले गए? घबराओ मत, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। कहीं वो बुरे अंकल उन्हें अपने साथ तो नहीं ले गए? ये बुरे अंकल कहाँ पे, कुछ आइडिया है? हाँ अंकल, स्टाफ रूम में हो सकते हैं। स्टाफ रूम? चलो। तो वो आतंकवादी कहीं दिखे? नहीं दिया। चलो अच्छा, ये बच्चे तो ठीक है। सर, इन बच्चों का कहना है कि वो आतंकवादी शायद स्टाफ रूम में। स्टाफ रूम में? कहाँ स्टाफ रूम? आइए हम बताते हैं आपको। अरे नहीं नहीं, तुम यहीं पर रुको, शहर दीदी के साथ हम लोग देखते हैं। उस तरफ है ना? चल आगे जाके राइट में। यहाँ तो कोई भी नहीं। कावी, जल्दी से बच्चों को लेकर आ। सर। ये आतंकवादी क्या खेल खेल रहे हैं हमारे साथ? हमको यहाँ बुला लिया है पर अब सामने नहीं आ रहे। वही तो। आओ इधर आओ। क्या हुआ अंकल, नीलो चीकू कहाँ पे? यहाँ पे तो कोई भी नहीं बेटा। आपको अच्छी तरह से याद है कि वो लोग यहाँ इसी कमरे में थे। अंकल, हमने खुद इस खिड़की से देखा था, सभी लोग यहीं पर थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी और कमरे में लेकर गया बच्चों को? एक मिनट मैं उठना। असली मुसीबत बाहर है। सर, हो सकता है ये किसी टीचर या स्टूडेंट ने लिखा हो हमारे लिए सबूत के तौर पर। मगर हम तो अभी अभी बाहर से ही तो आए हैं ना। सर, हो सकता है इस कमरे से बाहर मगर स्कूल के अंदर कहीं पे। हो सकता है। श्रेया, तुम बच्चों के साथ ही रहो, हम स्कूल का कोना कोना छान मारते हैं। देखते तो सही ये मुसीबत है क्या और कहां पर। सर, ऐसा लगता है वो आतंकवादी यहाँ है ही नहीं। हमें यहाँ बुला के वो लोग 9-2-11 हो गए हैं शायद। तो फिर हमें यहाँ बुलाने का उनका मकसद क्या हो सकता है? रोने की आवाज आ रही है सर। My God! सबके शरीर पर बम लगे हुए हैं। बम इन बच्चों के शरीर पे भी लगा हुआ है सर। कावी, बम स्क्वाड को बुलाओ जल्दी। एक मिनट, तुम लोग घबराओ मत। अब हम लोग आ गए हैं ना, तुम में से किसी को भी कुछ भी नहीं होने देंगे हम। हम लोग हैं ना। अच्छा, वो आतंकवादी कहाँ गए? पता नहीं सर, हितिन को भी वो अपने साथ ले गए। हितिन? हाँ सर, इसी स्कूल में पढ़ता है, उसको भी पकड़ रखा था उन्होंने। और हमें डर है कि वो हितिन को कुछ कर ना दे। एक मिनट, एक बात, क्या आप लोगों ने उनकी कुछ बातें सुनी है? हाँ सर, तो वो किसी ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रहे थे। कह रहे थे कोई सनसनी खेज खबर है जिससे इस देश में बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, सनसनी खेज? सर, बॉम्ब कौन आ गया, आइए चलिए। देखिए, एक एक बॉम्ब अच्छी तरह से शांति से डिफ्यूज करना, पहले बच्चों को बचा। ओके सर। ओके सर। सर, बहुत ही लो इंटेंसिटी के बॉम्ब्स हैं और इन्हें लगाया भी काफी सिंपल टर्म से है, आराम से डिफ्यूज हो जाएंगे। थैंक गॉड। तो आतंकवादियों का मकसद इनकी जान लेना नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। जो भी चक्कर है, इसका कनेक्शन इस सनसनीखेज खबर के साथ है। और फिर हितिन का गायब होना, हितिन को लेकर जाना, ये हितिन का क्या चक्कर है पता लगाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, अब सब सुरक्षित है।
और एक बार फिर सीआईडी अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। कंग्रेचुलेशन सर, आप अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। देखिए, हमारा मिशन अब तक पूरा नहीं हुआ है, काम अभी भी बाकी है। पहले तो हितिन को बचाना है और फिर एक एक आतंकवादी को सजा दिलवानी है। ये हितिन के पापा कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं उन आतंकवादियों ने उन्हें अलग से कहीं बुला तो नहीं लिया हितिन की जान का सौदा करने के लिए? और फिर वो सनसनीखेज वो ब्रेकिंग न्यूज, उसका भी तो पता लगाना चाहिए। और अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज यहाँ आने वाले हैं मिस्टर वरुण, जो खुलासा करेंगे एक ऐसी लिस्ट का जिसमें देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों का नाम शामिल है। ये देखिए, मिस्टर वरुण अपने बॉडीगार्ड के साथ आ चुके हैं। धन्यवाद आप सबका, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। सर, ये ब्रेकिंग न्यूज वरुण की है, जो आज ही सारे भ्रष्टाचारियों के नाम का खुलासा करने वाला है। सर, ये सब हमें गुमराह करने के मकसद से किया गया है। हाँ काविन, इस बॉम्ब के पीछे उनका एक ही मकसद था, हमारा वक्त बर्बाद करना। जरूरी सबके पीछे किसी ऐसे आदमी का हाथ है जिसका नाम वरुण के इस भ्रष्टाचारियों वाली लिस्ट में है। तो सर, अगर ये लिस्ट किसी गलत हाथों में लग गई तो ना सिर्फ वरुण की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बल्कि हमारा देश सही ढंग से प्रगति ही नहीं कर पाएगा। हाँ श्रेया, आज वरुण की मेहनत सही रंग लाएगी, पकड़े जाएंगे सभी भ्रष्ट लोग। हेलो, हाँ हाँ, ओ ये बात है, ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ सर? एक बहुत ही खास बात पता चली है, हितेन के पिता मिस्टर विशेष हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट विशेष। सर, इसका मतलब कई आतंकवादियों ने हितेन को इसलिए तो नहीं अगवा किया ताकि वो उसके पिता मिस्टर विशेष से कुछ करवाना चाहते हो या कुछ लेना चाहते हैं? हो सकता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मिस्टर वरुण ने उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में डाल दिया है जिसमें इस देश के तमाम भ्रष्ट लोगों के नाम हैं। सबसे पहले भ्रष्टाचारी का नाम लेना चाहूंगा मैं, वो है ला, पेन ड्राइव दे। मर जाऊंगा मगर पेन ड्राइव नहीं दूंगा। अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है तुझे? तुझे इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा, इतना तड़पाऊंगा। आप लोग सही वक्त पर आ गए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा, वो लिस्ट कहाँ है? यही है वो पेन ड्राइव जिसमें सारे भ्रष्टाचारों की लिस्ट मौजूद है। मयूर, तो ये भी है इस लिस्ट में? विशेष, सर मेरा बेटा हितेन भी अंदर फंसा हुआ, प्लीज कुछ कीजिए। सर, सर आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। सर चुप, मैंने कुछ नहीं किया। स्कूल में गुंडे किसने भेजे? बच्चों के किडनैपिंग का नाटक किसने रचाया? तुमने, इसलिए कि हमारा ध्यान कहीं और चले जाए और तुम वरुण को आसानी से मार सको, है ना? सर मैं भला वरुण का खून क्यों करूंगा? क्योंकि वरुण के पास लिस्ट थी उन लोगों की जो भ्रष्टाचार के दलदल में गले तक डूबे हुए थे, और उनमें तुम्हारा भी नाम था। तुमने सोचा कि वरुण को मार के वो लिस्ट गायब कर देता हूं,
ताकि सीआईडी तुम तक पहुंच ना सके। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीआईडी मेरे इतने अच्छे प्लान को बर्बाद कर देगी। तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बच जाओगे? सीआईडी ने बड़े बड़े गुनेगारों को ठिकाने लगा दिया है, समझे? अब मान लो कि तुमने ये सब किया है। मानता हूं सर, मैं डर गया था कि कहीं दुनिया के सामने मेरे भ्रष्टाचार का पर्दा खुल के तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर तुम्हारा बेटा आ गया और उसने तुम्हारी बनी बनाई बाजी पलट दी है? मैं डर गया था सर कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, इसीलिए मैंने गुंडों के जरिए उसे बाहर बुलवाने की गलती कर दी। अपने बच्चे की परवाह करना गलती नहीं है, गलती है गैर कानूनी काम करना और फिर उस काले कारनामे को ढकने के लिए किसी की जान लेने की कोशिश करना। विशेष जी, अपने बच्चे को तो तुमने बचा लिया, मगर बाकी बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचा उस वक्त? उनकी जान को कितना खतरा हो सकता है सोचा? साथ साथ उनके टीचर्स, बाकी के लोग, इनकी सारी जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। बहुत बड़ा जुर्म किया है तुमने और इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।